परेशानी बार पर बार हुई है जम्मू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज बार एसोसिएशन ने कॉल दी है स्ट्राइक की, तो जेन्युइन स्ट्राइक है तीन इश्यूज़ के ऊपर। एक तो रोहिंग्यास का जो हमें जो बसना है वो गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, और जे एंड के रियासत के लिए तो वैसे ही सिक्योरिटी रीज़न के लिए भी ठीक नहीं। नंबर टू, हीरा नगर में जो एजिटेशन चल रही थी कि सीबीआई की इंक्वायरी करवाई जाए, मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी किसी से भी करवाई जाए वो जेन्युइन है। तो सीबीआई इंक्वायरी पूरे हिंदुस्तान की एजेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी सरकार को कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी तो आसमान नहीं गिर जाएगा, कुछ जो है सामने आना चाहिए। तीसरा जो हमारा जो इशू था जो ट्राइबल्स के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप किसी को भी पुलिस जो है पहले गिरफ्तार करने से पहले वो पहले ट्राइबल मिनिस्टर से जाएगी पूछने, तो ये किसी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर किसी को है कि भाई पुलिस कार्रवाई करने से पहले मंत्री से परमिशन लेने जाएगी? सेक्रेटरी के अंदर जाने देगा कोई इसको अंदर से सेक्रेटरी के किसी को भी? तो इसका मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना है कि कोई भी जगह मल ले, कोई भी सरकार को कहीं भी उधेड़ दे, तो वो उसको जो है वो खासकर इन कम्युनिटीज़ को नहीं पूछने वाला कोई भी। मैं ये समझता जो आज की बार की एजिटेशन है बड़ी जेन्युइन है, सरकार को ये बातें मान लेनी चाहिए। ये सरकार का कोई हक नहीं बनता कि बाहर से बांग्लादेशियों को या बाकियों को रोंगे को यहाँ पर बसाए। सीबीआई इनकी इंक्वायरी को बड़ी जायज़ डिमांड थी लोगों की, मान लेनी चाहिए थी, जो भी ट्रुथ था वो सामने आ जाता, जो कल्प्रिट है वो पकड़े जाते, लोग अननेसेसरी तंग नहीं होते, इतने दिनों से एजिटेशन रखी है। मैं समझता मैं नशहरे का इशू भी साथ जोड़ना चाहूँगा, तो सरकार को ये समझ नहीं आती है कि एडिशनल डीसी कहाँ बिठाना चाहिए, कि डिस्ट्रिक्ट नशहरा होना चाहिए, कि रजौरी होना चाहिए, कि कालाकोट होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ सारा गवर्नमेंट जो है सरकार जो है इसका टोटल फेलियर है, सरकार टोटल फेलियर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बार एजुकेशन जो है ये बहुत आगे जाने वाली है, तो सिर्फ आज चिंगारी है। तो ये सारी की सारी जो है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज फेलियर है इनका, पूरी लीडरशिप का जम्मू का। तो लीडरशिप जो है मैं समझता हूँ बार को अपने हाथ में लेनी चाहिए, जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, जिसको भी एक कमेटी बनाए, जो भी करना चाहते हैं, जिसको भी ये सौंपना चाहते हैं जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी सौंप के ये पूरी की पूरी एजिटेशन जो है रियासत के जितनी भी इस वक्त हालात हैं उसको ठीक करना चाहिए। ये एजिटेशन है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा नाम सुमेश्वर कोहली है। ये जो बार एसोसिएशन जम्मू ने आज स्ट्राइक रखी है, इसके तीन ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जो मोहम्मद मुफ्ती गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर दिया है कि ट्राइबल कहीं भी, एक पर्टिकुलर ट्राइबल कहीं भी जगह मल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, और उसके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर उनको गिरफ्तार करना है तो उसके लिए पहले मंत्री से परमिशन ली जाएगी, और ये और कुछ नहीं, सिर्फ जम्मू का डेमोक्रेटिक सेटअप चेंज करने का एक मसला है, चाहे वो रोहनियों को यहाँ बसाने का हो और चाहे ये ट्राइबल्स को एनकरेज करने का हो कि वो कोई भी जगह मल कब्जा कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा इशू है वो ये, लेकिन पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये चाहती है हिंदू मुस्लिम यहाँ पर बसा दो, और उसी के लिए ये अभी तक सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर पे नहीं की जा रही। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ खास करना पड़ेगा, एक ऑर्डर करना है उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो ताकि रियल का सामने आ सके।